हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। एलजेब्रा के हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे 4 चैप्टर। नेम है 4 चैप्टर का, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी हमें इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है मैट्रिक्स का यूज़ करके, ठीक है। अगर आप इससे पीछे के 3 लेक्चर्स की वीडियोज़ निकालना चाहें तो आप मेरे चैनल पे जाके लोगों पे क्लिक करके वहाँ से प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे अलग अलग चैप्टर्स के मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो कंप्लीट चैप्टर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस टू अ सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। इसमें आपको क्या करना है कि लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। इन लीनियर इक्वेशन को आपको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। चल देखिए कैसे करना है। लेट द नॉन होमोजीनियस एम लीनियर इक्वेशंस इन एन अननोन्स, मीन्स हमें m इक्वेशन लेनी है जिसमें n अननोन्स होनी चाहिए, a11 x1 a12 x2 प्लस अप टू सो ऑन a1n xn। हमने अननोन कितने बनाए, n अननोन्स लिए, तो x1 से स्टार्ट करके xn तक जाएंगे हम, ठीक है। इक्वल टू b1, क्योंकि हमें नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस डिस्कस कर रहे हैं तो इक्वल ऐसा कॉन्स्टेंट आता है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारी क्वेश्चन नॉन होमोजीनियस होती है। सेकेंड इज a21 x1 a22 x2 प्लस अप टू सो ऑन a2n xn इक्वल टू b2। एज इट इज चलते जाएंगे तो हमने इक्वेशंस कितनी लिए, m इक्वेशंस, तो यहाँ पे आ जाएगा am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस अप टू सो ऑन amn xn इक्वल टू b, ठीक है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो x1 x2 जो अननोन्स होते हैं हमारे पास, इनके कोफिशिएंट्स की हम मैट्रिक्स बनाते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अननोन्स, तो ये बन जाएगी हमारे पास a11 a12 अप टू सॉन a1n, ठीक है। नेक्स्ट इज a21 a22 अप टू सॉन a2n, एज इट इज चलते जाएंगे तो am1 am2 अप टू सॉन amn, ये हो जाएगी मैट्रिक्स ए, कोफिशियंट्स की मैट्रिक्स हमने बना ली है। कितने ऑर्डर की बनेगी, m हमारे पास यहाँ पे रोज़ हैं, देखिए रो 1 2 3 अप टू सॉन m तक जा रही है, तो m रो और कॉलम 1 2 3 अप टू सॉन n तक जा रहे हैं, तो m क्रॉस n इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n। जो राइट साइड पे होते हैं उसको हम क्या लेके चलते हैं, b1 b2 अप टू सॉन bn, एंड जो अननोन्स की मैट्रिक्स होती है उसको हम क्या लेते हैं, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ x1 x2 अप टू सॉन xn। इस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देन अगर हम ये मैट्रिक्स बना लेते हैं तो हमारे पास ये कंप्लीट लीनियर इक्वेशंस किस में कन्वर्ट हो जाती है, a इंटू x इक्वल टू मैट्रिक्स b, ठीक है, a x इंटू सॉरी इक्वल टू b। तो इसमें आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, हम ये आप पढ़ भी चुके हो, x इक्वल टू a इनवर्स b इज अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस। अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, दीज आर द लीनियर इक्वेशंस इज कॉल्ड द कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब कहेंगे, इफ ए एक्स इक्वल टू बी, यानी कि हमने इन सारे लीनियर इक्वेशंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में, ठीक है। हैज़
यूनिक सॉल्यूशन या फिर हैश सॉल्यूशन लिख लीजिए, सॉल्यूशन, देन दीज लीनियर इक्वेशंस इज कॉल्ड द कंसिस्टेंट। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट कब बोलते हैं? इफ दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ए एक्स इक्वल टू बी हैज नो सॉल्यूशन, अगर इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है देन हम इन इक्वेशंस को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, और अगर इनका सॉल्यूशन निकल जाता है, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, देन दीज आर कॉल्ड द कंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन इसका कैसे हम फाइंड आउट करेंगे और किस किस सिचुएशन में जो इक्वेशंस है कंसिस्टेंट बनेंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी से हम एक नई मैट्रिक्स बनाते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये कैसे बनाते हैं हम? ए मैट्रिक्स ए वन वन, ए वन टू, अप टू सॉन ए वन एन, ए टू वन, ए टू टू, ए टू एन, एज इट इज चलते जाएंगे, ए एम वन, ए एम टू, ए एम एन। बी का यूज़ करेंगे हम, इसी मैट्रिक्स में हम बी को भी ज्वाइन कर लेते हैं, डॉट डॉट अप्लाई करके, बी वन, बी टू, अप टू सॉन बी एन। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स निकल के आई है इसको हम लिखेंगे ए ऑगमेंटेड, दिस इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए एंड मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो यहाँ से इस पे डिपेंड करता है, इसी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आती है इनका सॉल्यूशन कैसे, यानी ये आपके पास कंसिस्टेंट कब होंगी। यहाँ पे देखिए, अगर कंप्लीट मैट्रिक्स को तो हम कहेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अगर मैं इस कॉलम को हटा देती हूँ तो ये जो मैट्रिक्स बचेगी ये हमारी बचेगी मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो हम इस कंप्लीट मैट्रिक्स को रो अकेलन फॉर्म या कॉलम अकेलन फॉर्म में चेंज करेंगे और इसका रैंक फाइंड आउट करेंगे। देन हम देखेंगे कि कंप्लीट मैट्रिक्स का रैंक क्या आ रहा है और मैट्रिक्स इनको छोड़ के इस कॉलम को, लास्ट कॉलम को, मैट्रिक्स ए का रैंक कितना आ रहा है। इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये आ जाता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, देन द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस हैज द यूनिक सॉल्यूशन। हमने बनाया यहाँ पे, दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, हमने कहा कि रैंक, अगर इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यानी कंप्लीट मैट्रिक्स का रैंक ए मैट्रिक्स के रैंक के इक्वल आ जाता है, देन ए एक्स इक्वल टू बी इज कंसिस्टेंट। समझ गए, जो लीनियर इक्वेशंस थे हमारे पास उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और इसका सॉल्यूशन कब निकलेगा, जब इन दोनों मैट्रिक्स का रैंक इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इफ रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, देन ए एक्स इक्वल टू बी इज इनकंसिस्टेंट, मीन्स नो सॉल्यूशन। देन कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर इन दोनों मैट्रिक्स का रैंक नॉट इक्वल टू आ जाता है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि इक्वल टू आने पे यूनिक सॉल्यूशन कब निकलता है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब आते हैं। नाउ वी हैव ए एक्स इक्वल टू बी, बी मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ एम इक्वेशंस इन एन अननोन्स, हमारे पास m इक्वेशंस और n इसमें अननोन्स लेके चले हैं। देन यहाँ से हम डिस्कस करेंगे, हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स a फाइंड आउट करेंगे और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी कंप्लीट मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इफ रैंक ऑफ a इक्वल टू रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b मैट्रिक्स, इफ रैंक ऑफ a और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक इक्वल टू एन आ जाता है, एन इज अ नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है,
दोनों का रैंक सेम और n के इक्वल आ जाएगा. देन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन. यानी इसका हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा कब, जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल आ जाए और किसके इक्वल आ जाए, एन के इक्वल आ जाए. ठीक है. सेकंड केस, इफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों का रैंक इक्वल आ जाता है और लेस देन एन आ जाता है. ठीक है. एन इज अ नंबर ऑफ अननोन्स. देन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. सॉल्यूशन तो निकलेगा बट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे. ठीक है. थर्ड केसेस, इफ रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अगर दोनों का रैंक इक्वल ही नहीं है, देन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. तो ये रूल आपको याद रखने हैं और यही इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. तो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, यहाँ पे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा उनसे. क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व दीज इक्वेशंस. इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है. द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज क्या होती है, ए एक्स इक्वल टू बी लेके चलते हैं. मैट्रिक्स ए इज द कोफिशियंट मैट्रिक्स, ए 2-3-1, एक्स वाई जेड के द फर्स्ट रो सेकेंड रो 1-1-1 एंड थर्ड इज द 1-1-1 इन टू एक्स. एक्स इज द एक्स वाई जेड जो हमारे पास अननोन होते हैं, इक्वल टू बी मैट्रिक्स 9-6-2. ठीक है. देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. ठीक है. नाउ हम बनाते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. मैट्रिक्स ए 2-1-1-3-1-1 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना रहे हैं हम इसकी. बी जो आपके पास मैट्रिक्स है, दिस इज द बी मैट्रिक्स, ये हो जाएगा 9-6-2. अब हमें इसका रैंक फाइंड आउट करना है. ठीक है. इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं एकेलन फॉर्म में. तो यहाँ पे हमारे पास 0-0 होने चाहिए. ठीक है. और लीडिंग एंट्री हमारे पास 1 होने चाहिए. लीडिंग एंट्री 1 बना लेते पहले. आर टू इंटरचेंज बाय आर वन, वन के साथ इंटरचेंज कर लीजिए तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा लीडिंग एंट्री. ठीक है. तो क्या आएगा ऑपरेशन, ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी, दिस इज 1, सेकेंड रो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगी 1-1-6, दिस इज 2-3 1-9 फर्स्ट रो सेकेंड प्लेस पे और थर्ड रो इज एज इट इज. नाउ यहाँ पे हम 0-0 बनाते हैं तो ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे, आर वन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और आर टू में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है. एंड आर वन एंड आर थ्री को माइनस कर लेंगे, आर थ्री में चेंज करेंगे आर थ्री माइनस आर वन, दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास एज इट इज रहेगा, दिस इज द 0. हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस करेंगे तो 0, -3-2-5, दिस इज 1-2-1. ठीक है. एंड 9-12 -3
देन यहाँ से हम दोनों को माइनस कर रहे हैं, ज़ीरो माइनस वन इज़ अ माइनस टू, वन माइनस वन इज़ अ ज़ीरो एंड दिस इज टू माइनस सिक्स इज़ अ माइनस फोर। अब हमें इस प्लेस को ज़ीरो बनाना है, इस प्लेस को ज़ीरो बना सकते हैं किसी भी फॉर्म में। देखिए अगर मैं इसको टू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर देती हूँ तो हमारी ये दोनों जीरोस रिमूव हो जाए, थ्री, तो रैंक ऑफ ए इज़ अ थ्री एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी। अगर हम कंप्लीट मैट्रिक्स का रैंक चेक करेंगे देन दिस इज़ ऑल्सो थ्री। नाउ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, ये भी आपको चेक करना है क्या ये नंबर ऑफ अननोन्स, कितने नंबर ऑफ अननोन्स, वन टू एंड थ्री, विच इज़ इक्वल टू थ्री। तो सारे के सारे इक्वल है तो इस कंडीशन में क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, जो आपके पास ये गिवन है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, फर्स्ट रो को एक्स वाई मीन्स पहले कॉलम को एक्स से वाई से एंड जेड से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एंड थर्ड को और इक्वल रख देंगे दिस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी हमें इसको एक्स से वाई से और जेड से मल्टीप्लाई करना है और इक्वल टू सिक्स के, ठीक है। सेकेंड रो पे चलिए, ज़ीरो इंटू एक्स इज ज़ीरो, माइनस फाइव वाई माइनस जेड इक्वल टू माइनस थ्री एंड यहाँ से माइनस टू वाई बिकॉज एक्स से मल्टीप्लाई करोगे ज़ीरो, माइनस टू वाई एंड ज़ीरो इंटू जेड इज़ अ ज़ीरो इक्वल टू माइनस फोर। वाई की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ से, वाई की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल, वाई इज़ अ टू, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, यहाँ से हमें तीन इक्वेशंस मिल जाती हैं और तीन हमारे पास अननोन है तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। वाई की वैल्यू टू उठाएंगे हम इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो माइनस फाइव वाई माइनस जेड इक्वल टू माइनस थ्री, ये इक्वेशन हमारी सेकेंड इक्वेशन है। वाई इक्वल टू टू पुट करेंगे यहाँ से तो देन माइनस टेन माइन इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, प्लस थ्री इक्वल टू जेड, तो जेड की वैल्यू आ गई माइनस सेवन, ठीक है। वाई की आ गई टू, जेड की माइनस सेवन, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सिक्स, इसमें हम y की वैल्यू और z की वैल्यू पुट कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास तीनों की वैल्यूज आ जाएंगी x, y एंड z। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तीन इक्वेशंस आपके पास गिवन है x, y, z एंड w में, यानी नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास यहाँ पे चार है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन वन टू एंड वन, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू का मल्टीपल इज़ अ फर्स्ट रो, सेकेंड इक्वेशन से हमें सेकेंड रो मिल जाएगी माइनस टू एंड दिस इज़ अ थर्ड इक्वेशन फोर फाइव थ्री, क्योंकि इसमें डब्ल्यू का कोफिशिएंट नहीं है तो ज़ीरो आ जाएगा। दिस इज़ मैट्रिक्स ए, यार डायरेक्टली लिख लेते हैं ए एक्स इक्वल टू बी, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू चार अननोन्स है इक्वल टू मैट्रिक्स बी फाइव टू सेवन, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर ऑफ जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जिसे कंसिस्टेंट कब होता है, इफ़ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू आ जाएगा रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी। तो सबसे पहले हम रैंक फाइंड आउट करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, ठीक है। नाउ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बनाइए, सबसे पहले वन वन टू वन फाइव टू थ्री माइनस वन माइनस टू टू एंड जो फोर फाइव थ्री ज़ीरो, ठीक है। इसको रिड्यूस करते हैं एकेलन फॉर्म में, एकेलन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट हमारा वन होना चाहिए जो कि हमारे पास गिवन है। नाउ हमें इन प्लेसेस को ज़ीरो बनाना है तो ज़ीरो बनाइए यहाँ पे, आर टू ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, आर टू माइनस टू आर वन एंड आर थ्री माइनस फोर आर वन, ठीक है। तो इन दोनों प्लेसेस पे हमें ज़ीरो मिल जाएगी, ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू टू वन इज़ अ फाइव, यहाँ पे ज़ीरो, थ्री माइनस टू इज़ अ
वन माइनस वन, माइनस टू से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, माइनस फाइव माइनस टू एंड यहाँ पे टू आ जाएगा, माइनस टू करेंगे जब माइनस फोर एंड टेन, टू माइनस टेन इज माइनस एट, इसको हमने फोर से मल्टीप्लाई किया ज़ीरो, फाइव माइनस फोर इज वन, थ्री माइनस टू इज सॉरी यहाँ पे फोर से मल्टीप्लाई करेंगे एट हो जाएगा, थ्री माइनस एट माइनस फाइव, फोर ज़ीरो माइनस फोर इज माइनस फोर, और यहाँ पे हमने फोर से किया है तो ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी करेंगे, ठीक है सेवन में से ट्वेंटी माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस थर्टी। नाउ सेकेंड रो और थर्ड रो को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे हमें जीरोज मिल जाएंगे, ठीक है तो यहाँ से हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हम थर्ड रो पे अप्लाई करेंगे, थर्ड माइनस सेकेंड, तो ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स किसके आ जाएगी, वन फर्स्ट रो इज वन वन टू वन फाइव ज़ीरो वन माइनस फाइव माइनस फोर इज माइनस एट। अब यहाँ पे हमने इन दोनों को माइनस किया है तो ज़ीरो, ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा आर थ्री माइनस, यानी कि माइनस थर्टीन प्लस एट, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस फाइव, क्लियर। अब हम चेक करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का अगर हम रैंक फाइंड आउट करें, देन यहाँ पे हम जीरो नहीं बना सकते क्योंकि हमें इन जीरोस को या एज इट इज़ रखना है, ठीक है तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है कि इस प्लेस को भी हम जीरो बना लें और ये एज इट इज़ रह जाए। देन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आ गया यहाँ से, यानी कंप्लीट मैट्रिक्स का रैंक, नंबर ऑफ अननोन्स नॉन जीरो रोज, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी यहाँ पे, ये चार जीरो बट माइनस फाइव इज नॉन जीरो, तो वन टू थ्री रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया थ्री। बट अगर हम रैंक ऑफ ए देखें तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ ए हम इसको रिमूव कर लेते हैं यानी इसको हटा के देखेंगे तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स बच जाएगी, इसमें दिस रो इज कंप्लीट ज़ीरो, ठीक है तो ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज देर आर टू नॉन ज़ीरो रोज, तो ये आ जाएगा टू, ठीक है। हमने कहा था कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है दिस आर द कंसिस्टेंट इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल आ जाता है तब ये कंसिस्टेंट होती है। हियर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्यों नहीं है, बिकॉज दिस आर द इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अगर रैंक इक्वल नहीं आता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इस लेक्चर में हम इतना ही कवर करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे जिससे कंसेप्ट आपका और भी क्लियर हो जाएगा। आप इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।